हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये क्लास आपकी रेलवे NTPC 2019 एग्जाम के लिए है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट NTPC 2019 के लिए तैयारी कर रहा है और GK का पूरा कोर्स कम्प्लीट करना चाहता है, बिल्कुल बेसिक से और टोटल कोर्स कम्प्लीट करना चाहता है फ्री में, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, टॉपिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी और टाइम नोट कर लीजिए इस क्लास का। NTPC की क्लास का टाइम मैं बता रहा हूँ स्पेशली 1 बजे, यानी कि 1 PM पे क्लास आपकी लाइव हो जाएगी। आपको आना है, डेली ज्वाइन करना है, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। अभी हिस्ट्री चल रही है हमारी और हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं संगम युग एवं दक्षिण भारत के साम्राज्य। तो देखिए, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, कोई टॉपिक छूटेगा भी नहीं और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें अगर अच्छी लगती है, ठीक है। और अंत तक जरूर देखा करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप मिस कर देते हैं। और आपसे शुरू में ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हो सके तो अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर देंगे तो बीच में आपको जाना नहीं पड़ेगा क्लास को छोड़ के। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर 2-4 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, इतना ही टाइम लगता है यार शेयर करने में, मुश्किल से लगती होगी 5 या 6 सेकेंड, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका आता है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? देखिए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन सेकंड। तो इसका सही आंसर आपने लगा दिया डी। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य वंश का शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। इसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और देखिए, इसने सैकड़ों राजाओं को हराया था और सैकड़ों राजाओं को हराकर इसको एक उपाधि मिली थी परमेश्वर की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि परमेश्वर की उपाधि किसको मिली थी, वो किसको मिली थी, पुलकेशिन सेकंड को। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, पुलकेशिन सेकंड को भी किसी ने हराया था, वो उसका नाम क्या है, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको हराया था, बस आप इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? बिल्कुल, चोल राजाओं की जो राजधानी थी वह थी आपकी तंजोर। राइट आंसर रहेगा गाइज, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस चोल राजा ने सिलोन को सर्वप्रथम जीता था? तो देखिए, इसका सही आंसर रहेगा राजराज फर्स्ट ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए, चोल शासक राजराज प्रथम यानी कि फर्स्ट ने अपनी बेहतर नौसेना के माध्यम से उत्तरी श्रीलंका सिलोन, जिसको सिंगल पर कब्जा किया, और श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को परास्त किया, यानी कि उसको हरा दिया, ठीक है। चले, नेक्स्ट आपका है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? बिल्कुल, राजेंद्र चोल इसका सही आंसर रहेगा गाइस। और देखिए, गंगा को उत्तर से दक्षिण अर्थात इसका मतलब क्या है, गंगा घाटी को विजय करने वाले चोल शासक राजेंद्र चोल था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के बने सिक्के सर्वप्रथम कहां प्रकट हुए? दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल बुद्ध काल इसका सही आंसर रहेगा गाइस, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका प्रतिहार कुल से। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे गाइस। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठ के। बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसमें प्लस वाले सेक्शन में जाके जो भी कोर्स लेना है वो सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जो भी मंथ आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे जाने के बाद आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखनी है, 10% का डिस्काउंट लेने के लिए टॉपिक स्टडी कोड का यूज करके अप्लाई कर दीजिएगा, आपको 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? देखिए प्रतिहार वंश का महानतम राजा था आपका बिल्कुल भोज, यानी कि महीर भोज, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हेनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन के। देखिए प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग लगभग जो है वो आपका 630 से 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के काल शासन काल के दौरान भारत आया था। ठीक है, चलिए बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो यही रहेगा आपका, जल्दी से आंसर बता दीजिए दोस्तों। देखिए हेनसांग होगा ये, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको बताया था ना यही होगा। ठीक है, तो ये इसमें और वो दोनों क्वेश्चन ही सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? बिल्कुल किस शासक द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लगाएंगे। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों है आपका, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था? इसका सही आंसर रहेगा प्रतिहारों ने, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए 738 ईस्वी में राजस्थान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बनाया था। राजपूतों के इस संघ ने जनेद इबन अब्दुर रहमान अली मारी के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया था। तो ये जो लंबा सा नाम मैं बता रहा हूँ ये आपको याद नहीं रखना है, नहीं पूछा जाता, बट आपको ये याद रखना है कि राजस्थान का युद्ध हुआ था 738 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें जो राजस्थान की सेना थी, राजपूतों का जो संघ था, उसने हराया था अरब सेना को। क्वेश्चन नंबर 12 है, सांची का मान स्तूप है, ये मान नहीं होगा यार, महान होगा, है ना, महान होगा ये, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सांची का महान स्तूप है, इसका सही आंसर रहेगा, सांची का महान स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर आप ऑप्शन बी लगाएंगे। देखिए सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ स्तूपों की संख्या 3 है। सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये याद रखनी है। प्रारंभ में यह ईंटों से बना था दोस्तों, और बाद में सुंग शासकों द्वारा इसका विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्तूप का जो व्यास है वो 40 मीटर और ऊंचाई 16.50 मीटर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ स्तूपों की संख्या 3 है। सबसे बड़ा जो स्तूप है वो किस नाम से जाना जाता है? माँ स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बनवाया किसने था स्तूपों को? ये सम्राट अशोक ने बनाया था। और यहाँ पे और क्या बताया मैंने, शुरुआत में ये तत्पश्चात सब मतलब ईंटों से बने होते थे स्तूप, बाद में इनका विस्तार किया गया। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है। सॉरी, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है, ये आपको बताना है। बिल्कुल देखिए उनमें फूल पत्तियों का चित्र नहीं है, ये कहना गलत है। ठीक है, देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्तों उसमें चित्रकारी वास्तविक ये फूल पत्तियों से ही हो रखी है उसमें, तो ये गलत होगा। ठीक है, कि उनमें फूल पत्तियों का चित्र
चित्र नहीं है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, अजंता चित्रकला का वास्तविक प्रतिनिधित्व अजंता गुफाओं के बने चित्र करते हैं, ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इस शैली का विकास सुंग वंश में हुआ, सातवान में हुआ, कुषाणों ने किया, गुप्त में हुआ, वाकाटक चालुक्य वंश राजाओं के काल में हुआ है। इसकी चित्रकारी बौद्ध कला से सज्जित है, वह प्राचीन भारत के प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे देखिए हरियाली फूल पत्ती का उत्तम चित्रण किया गया है, तो ये पॉइंट जो रहेगा गलत रहेगा अजंता गुफाओं के संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लिपि अशोक के शिलालेख में प्रयोग की गई है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कौन सी लिपि अशोक के शिलालेख में प्रयोग की गई थी? तो ब्रह्मी इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए अशोक के शिलालेख में ब्रह्मी, क्रोस्टी, ग्रीक कई भाषाओं का मतलब यूज किया गया है। अशोक के शिलालेखों की जो खोज की गई थी वो 1750 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। और इनकी संख्या कितनी है शिलालेखों की? तो ये संख्या है दोस्तों 14। तो अशोक के जो शिलालेख है दोस्तों कितने हैं? 14 हैं। और अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने हासिल की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी। और ये कब की गई थी? 1837 में। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आप वीडियो को एक से दो बार रिपीट करके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा चरक, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कनिष्क का जो आयुर्वेद विख्यात जो मतलब दरबारी चिकित्सक था वो कौन था? चरक था, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, कोणार्क के का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? बिल्कुल नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा जयदेव, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, खालिस्तान सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी? तो देखिए दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए तोमर काल में ये दिल्ली को देहली का के नाम से पुकारते थे, ठीक है गाइस। तोमर उत्तर पश्चिम भारत का एक राजवंश था। तोमरों का मानना था कि चंद्रवंशी है, कि वे चंद्रवंशी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? बिल्कुल इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, कश्मीर वाले भाग पे, ठीक है। महारानी दिद्दा 980 से 1003 ईस्वी कश्मीर की महारानी थी, बिल्कुल। देखिए महारानी दिद्दा जो है वो लोहार वंश के राजा सिहार राज की पुत्री और काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पोतरी थी,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में वेनसांग भारत आया था? तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका ये है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे? हेनसांग, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं हेनसांग के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ मिलान करिए। तो ट्राई करके देखिए एक बार, आपको बताना है जितने भी ये यात्री आए थे भारत, ये किस किस देश से आए थे। देखिए मार्को पोलो ये आए थे कहाँ से? इटली से। तो आप इनको इटली पे लगा दीजिए। इब्न बतूता ये कहाँ से आए थे? मोरक्को से। तो इनको आप मोरक्को पे लगा दीजिए, यानी कि 4 पे। एंटोनियो सेरेट ये कहाँ से आए थे दोस्तों? ये आपके आए थे स्पेन से, तो आप इनको स्पेन से पे लगा दीजिए। और बचा आपका ये महमूद वली वाल्की, तो ये इटली सॉरी बल्क से हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी। तो आप देख लीजिए, सबसे पहला आपका आया था इटली पे, यानी कि 3। 3 से कौन सा स्टार्ट है? ए और ये है। फिर दूसरा ऑप्शन है इब्न बतूता, ये किस पे कहाँ से आए थे दोस्तों? ये आए थे मोरक्को से। तो ये 4th वाला देख लीजिए, दूसरे नंबर पे 4th ये है, इसमें नहीं है, बाकी ये तो हो ही जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा इस। ठीक है, तो आपको भी इस तरीके से क्वेश्चन अगर मिलता है थोड़ा सा देख के करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय जो है आपका वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका बिहार हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? देखिए हर्षचरित के लेखक थे दोस्तों बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये आपको याद रखना है। बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक था? बिल्कुल, इसका सही आंसर रहेगा बाणभट्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? तो इसमें पहले वाला ही जो है सही नहीं है। ठीक है, तो आपका विक्रमादित्य जो है ये चैतन्य से संबंधित नहीं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर रहेगा तेजपाल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के बेंगल वंशीय शासक वीर धवन के दो मित्रों वास्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था। बिल्कुल, यह जो मंदिर है दोस्तों जैनियों को समर्पित है। नेक्स्ट आपका, खजुराहो मंदिरों निर्माण किसने कराया था? खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? बिल्कुल, चंदेल राजपूत इसका सही आंसर रहेगा गाइज, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर हैं? बिल्कुल, हिंदू तथा जैन दोनों के। तो सही आंसर आप क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। देखिए दोस्तों, खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। वर्तमान में इनमें से 25 मंदिर ही शेष हैं। ये मंदिर आपके हिंदू वैष्णो देवी
वैष्णव यानी कि शैव शक्ति और जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? बिल्कुल महीर भोज इसका सही आंसर रहेगा गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 31 है, श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किए थे। तो ये किए थे आदि शंकराचार्य द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बिल्कुल मोहम्मद बिन बख्तियार इसका सही आंसर रहेगा गाइस, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नालंदा और विश्वकर्माशिला विश्वविद्यालय को बौद्ध विहार अथवा दुर्ग समझकर मुस्लिम, मतलब इनको बौद्ध विहार और दुर्गा समझकर मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? बिल्कुल पुलकेशिन सेकंड ने, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन का समकालीन था दोस्तों कौन, बिल्कुल जब इसको हराया था तो आप रिलेट कर सकते हैं कि पुलकेशिन सेकंड ही था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ पे थी दोस्तों, बिल्कुल थानेश्वर थी, तो इसका सही आंसर आप ऑप्शन सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 बता रहा है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलाई नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? ये हो गया हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ पर थी दोस्तों, तो ये आपका हो गया है थानेश्वर, और इसका सही आंसर क्या रहेगा नेक्स्ट वाले का, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बर्मा यानी कि अब जो म्यांमार है किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल ये जाना जाता था आपका स्वर्ण भूमि के नाम से, तो इसका सही आंसर आप ऑप्शन सी लगाएंगे। नेक्स्ट है, पश्चिम भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था? देखिए चालुक्य को किसने विस्थापित किया था, पल्लव ने, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने हराया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय जो है ये किसी से नहीं हारते थे, बट पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने इनको हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताएं। बिल्कुल पल्लवों की राजधानी कांची यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कांची कहाँ पे पड़ता है आपका दोस्तों, तमिलनाडु में पड़ता है। ये देखिए कांची को हजारों मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, इसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल चालुक्यों ने हराया था दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की ये क्लास थी हमारी, आपको सबसे पहले बताइए क्लास कैसी लगी।